टीम स्वर आलाप की तरफ से सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर तुम्हें पा जाते तो किस्सा इसी जन्म में ख़त्म हो जाता। तुम्हारी हसरत जो हमेशा रहेगी तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। ऐसा लगता है जब खुदा को सूझा कि गाया जाए तो उसने रफ़ी नाम का एक जिस्म बनाया और गा गया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी सुंदर है उसमें एक रफ़ी साहब की आवाज़ भी है, और जब रफ़ी साहब का जिक्र होता है तो स्टेज की दुनिया में एक ध्रुव तारा जो 10 या 20 नहीं करीब 50 सालों से आज भी उसी तरह चमक रहा है, जिसने इस मंच पर आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करके रखी है, और इस सितारे का नाम है राजेंद्र घड़वी। घड़वी भाई, स्टेज स्टोरीज के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। हाय वे सभी संगीत प्रेमी का स्वर आलाप की तरफ से स्वागत करता हूं, और आप लोग यहां पर इतने दिल से बैठे हुए तो एक दो लाइन रफ़ी साहब के सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको गाना सुनाऊंगा। उम्मीद है आपको ये लाइन पसंद आएगी। पसंद आए तो भी तालियां, नहीं आए तो भी तालियां बजाएं। ओके। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ दिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लोया ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। थैंक यू। एक बहुत ही रोमांटिक गाना आपको सुनाने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है प्रोफेसर, म्यूजिक बाय शंकर जी के साथ। हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कि हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कि हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन। तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं और किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं और किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐ गुलबदन, ऐ गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन। तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं और किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं और किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं
किसी से मोहब्बत ना हो जाए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जो हो तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्म बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्म बदू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्म बदू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्म बदू। तेरे प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्म बदू। स्टेज स्टोरीज के सुरीले सफर में एक और हम सफर हैं सायरा खान। सायरा जी, स्वर आलाप के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। सायरा जी, आप चाइल्ड प्रोडिजी रही हैं, स्टेज पर आपका सफर किस तरह शुरू हुआ? स्टेज पे सफर मेरा तो बचपन से सफर शुरू हुआ है, क्योंकि जब मैं 7 महीने की थी तब से मम्मी बोलते तो गाती है, और सबसे पहला गाना मेरा बॉबी का था जो मैं बहुत तोतली आवाज़ में गाती थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र। तो आप मम्मी ने ऐसा तो नहीं बोला कि सायरा रोती है तो भी सुर में रोती है, ऐसा तो कुछ हुआ होगा बचपन में? हाँ, ऐसा हुआ है, जब मैं रोती थी तो बोले अरे कौन सा आलाप आ गया। क्या बात है। सायरा जी, स्टेज सिंगर के अलावा प्लेबैक सिंगर में भी आपका नाम कंसिडर किया जाता है आज की तारीख में,
कोई तो ऐसा वक्त होगा, कोई ऐसा शो होगा स्टेज पर कि जहां आप गा रही हैं और पहली बार अगर आपने देखा होगा कि आपके सामने कोई प्लेबैक सिंगर बैठे हैं, तो आप कैसे महसूस कर रहे थे, आपको क्या हुआ? ये सवाल बहुत अच्छा है. कुछ लोगों का तो सामने बैठ के प्लेबैक सिंगर सुनते हैं, लेकिन मेरी शुरुआत ही प्लेबैक सिंगर के साथ हुई है. अच्छा जी. मैं जलंधर दूरदर्शन से हूँ, तो वहाँ पे मेरी शुरुआत जैसे न्यू ईयर का शो था. अच्छा. लिशकारा करके, उसमें सुखविंदर जी, हंसराज जी, सरदूल जी, ऐसे ऐसे महान कलाकार थे जिनके बीच में मेरा गाना था, पत्ता खादा पांदा. क्या बात बहुत है. बहुत, और उस शो में बहुत ही हिट हुआ वो गाना. क्या बात है, तो बढ़िया. तो आपकी शुरुआत ही प्लेबैक सिंगर के साथ में हुई है और आज बाकायदा आपका नाम प्लेबैक सिंगर के नाम से कंसीडर किया जाता है. सारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वर आलाप के इस शो में, स्टेज स्टोरीज के शो में. और सारा जी, रफ़ी साहब की जैसे आज डेथ एनिवर्सरी है, और रफ़ी साहब के रोमांटिक गाने, सेंटिमेंटल गाने, उनके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे हीर पंजाबी में बहुत गाई जाती है, तो सारा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि आप बिलोंग करती हैं उस स्टेट से, तो क्यों ना हम एक हीर को लेकर पंजाबी में रफ़ी साहब को एक श्रद्धांजलि के रूप में उनको हम आज याद करें. जी ज़रूर. मैं इस हीर में थोड़ा सा अपना भी अंग डालूंगी, थोड़ा सा, क्योंकि पंजाबी है ये, वहाँ का ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है. अच्छा. हीर तो रफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया, लेकिन मैं रफ़ी साहब जैसा तो गा ही नहीं सकती. हाँ, थोड़ी कोशिश करके आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करूँगी चार लाइन. क्या बात है, थैंक यू सो मच सायरा जी, फिर एक बार स्वर आलाप के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आने के लिए शुक्रिया. थैंक यू दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और ऐसे अच्छे फंक्शन में मुझे याद किया, ये आपके लिए. और स्वर आलाप आपका बहुत ही तरक्की करे. आमीन सुम्मा आमीन. थैंक यू वेरी मच. तुझे पे हम फकीर सदके तुझसे लुट कर तेरे द्वारा जो कि ले कर Oh.
चोरी चोरी चुपके चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके देखे मुस्काए मेरे लज को लाज ना आए आए और भये पल घट पे मोहनट कट शाम सताए मरे चन लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ तगड़ा
या झगड़ा या बिजनेस का हो लफड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाग रुकों की एक दवा है क्यों ना माए, काहे घबराए अरे काहे घबराए। चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास मान, काहे घबराए अरे काहे घबराए, काहे घबराए काहे घबराए, काहे घबराए काहे घबराए अरे काहे घबराए। थैंक यू। और जहां तक स्टेज का सवाल है, तो फिर वह किसी भी कलाकार के लिए क्यों ना हो, चाहे वह म्यूजिशियन हो, कोई गायक हो, निवेदक हो या फिर एक्टर हो। स्टेज पर परफॉर्म करने की हसरत उस कलाकार की इस जन्म में कभी पूरी नहीं हो सकती। स्टेज पर गाने या बजाने का मतलब कलाकार के लिए सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि उसकी अदाकारी के उन 3 घंटों में श्रोता अपने आप को उस कलाकार के अंदर समा लेते हैं। और जब हम ऑर्केस्ट्रा या गानों की बात करते हैं, तो फिल्मी गीत केवल फिल्म के लिए नहीं बनते, बल्कि उनमें भावनाओं की लहर, जीवन के पलों को उभारने वाले अनगिनत शब्द हमारी आत्मा में उतरते हैं। और इस काम को बखूबी अंजाम देता है एक कलाकार। और इस अंजाम तक पहुंचने के लिए एक एक कलाकार अपनी तमाम उम्र दांव पर लगा देता है, और उसकी हसरत होती है मनोबल, प्रशंसा, प्यार और तालियां। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, समला मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, क्या कहूँ मैं बेखबर। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको वो मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। ना हमें हुक्म का इक्का बनना है, ना महल का बादशाह। हम तो कलाकार ही अच्छे हैं जिसके नसीब में आएंगे माहौल बना देंगे।
दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर नसीब मेरा और आपका नहीं, सनी देओल, गोविंदा से लेकर बॉलीवुड के उन तमाम कलाकारों का खुश हुआ है जब उन्होंने हूबहू अपने आवाज का टेक्सचर संजय केनी के गले में पाया है। संजय केनी, स्वर आलाप के इस शो में आपका बहुत ही प्यारा सा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। हमें देखने वाले, सुनने वाले सभी दोस्तों साथियों को संजय केनी का प्यार भर नमस्कार। स्टेज स्टोरीज नाम से ये शो करने वाले हैं हम, जिसमें लाइव स्टेज पे जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा काम किया है, गाया है, ऐसे सिंगर्स को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर आप ये शो कर रहे हैं, तो आज सचमुच गढ़वी साहब या गौतम डे जी को लाइव सुनते हुए आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसे लगा जैसे वो 25 साल का सफ़र दो घंटे में नजरों के सामने से निकला। क्या बात है, इट इज वेरी अमेजिंग कॉन्सर्ट। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू संजय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आगे आएंगे लेकिन ऑगी और कॉकरोचेस में वर्ल्ड वाइड आपका नाम फेमस हो चुका है वॉइस ओवर के लिए। संजय कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच संजय। एक किस्सा सुना है, सबसे पहली बार जब आपने प्रोफेशनली स्टेज पर परफॉर्म किया तो ऑडियंस के अलावा कभी आपने देखा होगा कि कोई रियल सेलिब्रिटी बैठा है और कोई कह दे कि आपको उस सेलिब्रिटी की वॉइस निकालना है, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ होगा? दिनेश, एक्चुअली फिल्म स्टार नाइट या अवार्ड नाइट में फिल्म स्टार बैठे रहते हैं सामने, आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, मेरे साथ एक स्टेप आगे वाला हुआ। कैसे? सिंगापुर मलेशिया में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी, अच्छा, इनका लाइव स्टेज शोज थे, तीन शोज थे, तो उस दौरान मैं मिमिक्री करता था लाइव स्टेज पे और शाहरुख खान साहब की आवाज़ में उस वक्त नई नई मार्केट में लाया था। तो शाहरुख जी के शो के पहले, जो शो शुरू होने से पहले हमारे कोरियोग्राफर थे गणेश हेगड़े जी, उन्होंने मुझे शाहरुख खान जी से मिलवाया ग्रीन रूम में जाके। अच्छा, शाहरुख जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी तरह से कॉपी करता है। सो सर ने बोला कि बताओ, सुनाओ वॉइस। तो डर के मैंने ग्रीन रूम में सुना, ग्रीन रूम में शाहरुख जी को उनकी वॉइस सुनाई, ही वाज लाइक कूल। एंड मैं पूछा कि सर मैं परफॉर्म कर सकता हूँ स्टेज पर, तो उन्होंने हाँ कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो उस दिन मैंने परफॉर्म की उनकी आवाज़ में मिमिक्री के दौरान, दूसरे दिन दूसरे शो में शाहरुख जी खुद एक स्क्रिप्ट लेके आए। क्या बात है। उन्होंने बोला कि यार देखो, मैं परफॉर्म करूँगा, मेरा डांस एक्ट खत्म होगा, वैसे मैं ऑडियंस को बोलूँगा कि चलो मैं आपको मेरी फिल्म का डायलॉग सुनाता हूँ कुछ। अच्छा, वन टू थ्री जैसे मैं बोलूँगा, हाँ, तुम म्यूजिशियंस के पीछे से शुरू हो जाना। अच्छा, और मैं तुम्हें आगे आके, और ये स्क्रिप्ट खुद शाहरुख खान लेकर आया आपके लिए। इतना क्या बात है, इस बात का बहुत बड़ी बात है कि जब कोई एक्टर सेलिब्रिटी आपको अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उनकी आवाज़ कॉपी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है हम आर्टिस्टों के लिए। मगर उस वक्त हमें ये भी नज़र में रखना चाहिए कि जिस कलाकार की आवाज़ आप कॉपी कर रहे हो, उनकी वॉइस आप अप टू द मार्क कॉपी करें, और जब कॉमेडी करें तो उस एक्टर को भी लगना चाहिए, सेलिब्रिटी को भी लगना चाहिए, अरे यार मेरी वॉइस में अच्छी खासी कॉमेडी हो रही है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ये बहुत थिन लाइन होती है जब आप कॉमेडी करते हो, किसी वॉइस कॉपी करते हो, तो सामने वाले एक्टर को हमेशा अच्छा लगना चाहिए कि अरे फील होना चाहिए, फील होना चाहिए। या, क्या बात, पॉजिटिव वे से आप वॉइस कॉपी करना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। तो आपने शाहरुख खान ने कौन सी, आप उसकी एक छोटी सी झलक हमको बताएंगे? अच्छा, उस टाइम पे शाहरुख साहब दिल से का गाना परफॉर्म करते थे, छैया छैया, एंड देन गाना खत्म होने के बाद वो बोलते कि मैं एक डायलॉग आपके सामने बोलने वाला, तो मैं पीछे से शुरू हो जाता। अच्छा, आई लव यू किरण, सुनील, सुनील तुम नहीं जानते मैं किरण को किस हद तक चाहता हूं, किस हद तक प्यार करता हूं, सुनील तुम नहीं जानते मैं किरण को दिलो जान से चाहता हूं, किस हद तक प्यार करता हूं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें मरना होगा सुनील, तुम्हें मरना होगा, क्योंकि आई लव यू किरण। क्या बात है। और फिर शाहरुख जी ऑडियंस को
मेरा इंट्रोडक्शन देते थे. क्या बात है, क्या अचीवमेंट है वो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. संजय, पुराने डायलॉग, पुराने जो फिल्म थे, हमने आज रेट्रो के गाने लिए राजेंद्र गढ़वी, गौतम डे, मदन शुक्ला, सायरा खान के साथ. हम उस दौर में जी रहे हैं और आने वाली जनरेशन उसी दौर के गानों को रिमिक्स करके बना रही है. संजय, लेकिन गानों के साथ उस समय कुछ ऐसे डायलॉग्स भी होते थे जो फिल्म खत्म होने के बाद बरसों तक, शायद आज तक हमारे जहन में बसे हुए हैं. तो कुछ तो बात थी उन डायलॉग्स में और उन एक्टर्स में. उस दौरान वो डायलॉग लिखे जाते थे बाकायदा एक्टर को सामने. राइट, राजकुमार साहब है, करेक्ट, अमिताभ बच्चन जी है, करेक्ट, शत्रु साहब. तो आज के जो एक्टर्स है डेफिनेटली बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो डायलॉग अगर आज के एक्टर्स बोले, ये मिमिक्री का एक बहुत बड़ा बेस भी है. हाँ. कि जिससे पब्लिक एंटरटेन होती है, वापस रेट्रो एरा में पहुंच जाती है. डायलॉग, फेमस डायलॉग बोलते मेरे जहन में तो ये डायलॉग आया शत्रु साहब का, सबसे कौन फेमस डायलॉग, चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. क्या बात है संजय. अभी दो दिन पहले ही मैं शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू देख रहा था और ये डायलॉग मैंने उनके लिए सुना था उनके मुंह से. क्या बात है. लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पसंदीदा एक्टर्स की वॉइस में अगर वो डायलॉग आप प्लीज सुनाए हमारे ऑडियंस के साथ. डेफिनेटली सैफ अली खान. सैफ अली खान, ओके. वाह, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. वाओ, क्या बात है. आमिर खान. उत्तरी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. हाँ, क्या बात है. अजय देवगन. जिसके बाजुओं में, सॉरी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. क्या बात है. वाओ, व्हाट अ टेक्सचर. थैंक यू सो मच. और गुलशन ग्रोवर. बैडमैन. बैडमैन. जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. गन्ना चूसगा. क्या बात है संजय. बहुत खूब, बहुत खूब. संजय, जैसा कि मैंने पहले बताया था और आपको विश भी किया था कि ओगी और कॉकरोचेस जो आई थिंक पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है और आई थिंक बहुत सारे अनगिनत बच्चों का एक वो फेवरेट सीरीज रहा है. और उसमें मैंने देखा कि आप सारे एक्टर्स के वॉइस, सारे कैरेक्टर्स के वॉइस आपके हैं. तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी झलक हमको मिल जाए कि आप कैसे उसमें, जब रिकॉर्डिंग होती है तो बैक टू बैक कैसे आप उनकी वॉइस ट्रैक, जब शुरू होती है रिकॉर्डिंग तो हम पिक्चर के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से वॉइस करते हैं, मगर एक के बाद एक वॉइस करता हूँ मैं. मैं एक कैरेक्टर ख़त्म करके दूसरे कैरेक्टर में नहीं जाता. अच्छा, वो टाइम बच जाएगा, वो कम्युनिकेशन पूरा आपका कंटिन्यू रहता है. हाँ, तो बाद में एडिटर, साउंड इंजीनियर प्रॉपर वॉइस प्लेस करते हैं और वीडियो के साथ मोस्टली मैं करने की कोशिश करता हूँ. सो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट है वॉइस स्विच करना एक के बाद एक, बट सो डेफिनेटली 20 साल का जो ये लंबा करियर आपका रहा है और एक्सपीरियंस रहा है, आपको बहुत काम आया होगा इस सीरीज के लिए. 100%. संजय, मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि कैसे आप, और अभी एक सब्जेक्ट मैं आपको देता हूँ, लॉकडाउन चल रहा है. हाँ. और अगर ओगी तो डेफिनेटली ओगी और कॉकरोचेस के घर में भी लॉकडाउन होगा, तो वो क्या सोचते होंगे इस लॉकडाउन को लेकर. सो ओगी के घर में क्या, ओगी के घर में क्या होता है. हवेली हो या बस्ती, गांव हो या टाउन, लॉकडाउन डाउन 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 डाउन, लॉकडाउन डाउन 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 डाउन. अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है. भैया देखो ना, लॉकडाउन के चलते शहर के सारे रास्ते सुनसान हो गए हैं. मैं चाहता हूं ओली को एक लंबे ड्राइव पर ले जाऊं. ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, अगर घर के बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा. देखो देखो भिड़ू लोग, बिल्ला अपने भाई की किस तरह चिंता चिता कर रहे. अरे देवा, तो उसकी चिंता छोड़ रहे, हम लोग किचन का राउंड मारते हैं
और फ्रिज को खाली कर डालते हैं। देवा ये क्या, ये लॉकडाउन के चक्कर में बिल्ले ने फ्रिज भी लॉकडाउन करके रखा रे बाबा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, लॉकडाउन किया है फ्रिज तो लॉक तोड़ने का, कैरम रमवानू, जूस पीवानू, बोले तो मत जाना लॉकडाउन। आओ अगर किसी ने फ्रिज को छुआ तो हो जाएगी उसकी ठक टिक ठक टिक। आओ डराना छोड़ो, मैसेज दो स्टे एट होम स्टे सेफ अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। संजय थैंक यू सो मच स्टेज स्टोरीज के इस प्रोग्राम में और स्वर आलाप के प्रोग्राम में, आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। Oh,
इकरार से ओ गम सिहा सामन तेरे फिर भिन तो बच पाएगा तेरा पुना तेरा पुना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा आसमान पे सब बातें हैं बातों का क्या है तेरे साथ मेरी वफा स्टोरीज के इस मोड़ पर हम सफर हैं हम सभी के प्यारे और चहेते कलाकार गौतम डे दादा स्वर अलप के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है थैंक यू सो मच दिनेश भाई दादा स्टेज पर आपने देश विदेश में हजारों प्रोग्राम किए होंगे आपने सेलिब्रिटीज के साथ भी बहुत प्रोग्राम किए जैसा कि मैं जानता हूँ जो देख रहा हूँ तो आपने उनके साथ ट्रैवल भी किया होगा तो स्टेज पर गाना परफॉर्म करना सेलेब्स के साथ में एक अलग अपने आप में एक एक्सपीरियंस है लेकिन ट्रैवल करते टाइम कैसा लगता है उनके साथ क्या उनका उनका मतलब कैसा वो फील करते हैं आप जब उनके साथ ट्रैवल करते हैं तो हम लोग एक इमेज बना लेते हैं कि ये लोग सेलिब्रिटी हैं
बहुत फेमस है, इनका अलग ही कैरेक्टर होगा, लेकिन ये लोग भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं. मैं एक एग्जाम्पल के तौर से एक बात बताता हूँ. मैं एक टूर पे गया था शानुदा के साथ. अच्छा, ये राउरकेला उड़ीसा में शो था. ये कब की बात होगी? ये जब आशी का फिल्म फेयर जीता था. वाह, अच्छा. उसके बाद ही तुरंत. ओके. तो ही हैड अ शो इन राउरकेला उड़ीसा. अच्छा. तो उसमें डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं थी, तो वी हैड टू गो बाय कलकत्ता. अच्छा. तो क्या हुआ, शो जब खत्म हुआ रात के 12 बजे, तो प्रमोटर ने हम लोगों सबको रेलवे स्टेशन ले गए और ट्रेन पे चढ़ा दिया. अच्छा. जो कलकत्ता जा रही थी, क्योंकि हमको कलकत्ता से लौटना था. अच्छा. तो फर्स्ट क्लास बोगी में चढ़ा तो दिया, ट्रेन शुरू भी हो गई 2 मिनट बाद. अच्छा. मैं ऊपर चढ़ के मालूम पड़ा कि टिकट में ना बर्थ नंबर है ना सीट नंबर है. ओह. और तब तक रात को 1:30 बज गए थे, तो सब सो गए थे अपने अपने बर्थ में. तो उस समय दादा, मतलब शानुदा, बिल्कुल लाइमलाइट में आ चुके थे. या ही हैड वन द फिल्म फेयर अवार्ड. अच्छा. आशिकी के लिए. हाँ, आशिकी के लिए. राइट. उनके पिताजी भी थे साथ में. अच्छा. फाल्गुनी थी और चिकलेट था, लॉलीपॉप. अच्छा, ये सब साथ में थे. चारों जन थे हम लोग साथ में. ओके. तो बिना बर्थ और बिना सीट के फर्स्ट क्लास बोगी में ऑल आर स्लीपिंग विद क्लोज्ड केबिन्स. ओके. क्या करेंगे? तो शानुदा ने बोला, डोंट वरी, मेरे पास इनका बंदोबस्त है. हाँ. तो उसने अपने सूटकेस से एक लुंगी निकाला. अच्छा. और बाथरूम के सामने उन्होंने लुंगी को फैला दिया. अच्छा. और हम लोग वहीं पे बैठे बैठे. हाँ. पूरी रात गाते हुए हम लोग कलकत्ता आए. क्या बात है. सवेरे हमने फ्लाइट, मतलब फिल्म फेयर अवार्ड विनर होने के बावजूद ये. क्या बात है. तो इससे पता चलता है कि कैसा ह्यूमन बीइंग. और उन्होंने तब दिल है के मानते नहीं कि गाने तब तक रिलीज नहीं हुए थे. अच्छा. तो सब गाने उन्होंने गा के सुना. तो आप लोग ट्रेन में गाते गाते जा रहे हैं दिल है के मानते नहीं, और वो भी शानुदा के साथ, वो भी ट्रेन में, वो भी लुंगी बिछा कर. क्या बात है. तो ये किस्सा तो आई थिंक जन्म भर याद रहेगा आप लोगों को. हम जब भी मिलते हैं उसको याद करते हैं हमेशा. क्या बात है. तो स्वर आलाप के इस प्रोग्राम में क्या आप अपने दोस्तों को दिल से कोई गीत शेयर करना चाहेंगे उनके लिए? जरूर. सब मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं. मैंने काफ़ी दोस्त बनाए हैं अपने करियर में. अच्छा. और ये तीन, मदन, सायरा गढ़वी, फिर बाकी प्लेबैक सिंगर्स हैं, जॉनी भाई हैं, अमित दा हैं. अच्छा. बहुत बहुत सारे दोस्त मैंने बनाए हैं. अच्छा. और बहुत बहुत किस्से हैं, बहुत मेमोरीज हैं, एंड आई जस्ट चेरिश देम. मतलब आई लव देम ऑल. उनके लिए एक गाना गा दूं? क्या बात है. प्लीज. okay. प्लीज सी. ओके. दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूं सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है. उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्तों के दिल तक गौतम दा की आवाज बिल्कुल पहुंच चुकी होगी. थैंक यू गौतम दा, फिर से एक बार स्वर आलाप के. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. एंड आई विश स्वर आलाप एंड दिनेश भाई गुड विशेस. गॉड ब्लेस यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ स्टेज स्टोरीज के इस कार्यक्रम में लीड गिटार पर सतीश निवसकर जी का और बेस गिटार पर मनीष कुलकर्णी का. मनीष जी और सतीश जी, थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम में आप आए हैं. और जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैं स्टेज पर काम नहीं कर रहा था, मैं शो फील्ड में नहीं था और मैं शो देखने के लिए जाता था, कुछ सीखने के लिए जाता था, तब से मैं आप लोगों को स्टेज पर देख रहा हूँ. और आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि स्वर आलाप के इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बजा रहे हैं, यानी कि मैं आपके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. और सतीश जी, आपने हजारों शोज किए होंगे, न जाने कितने सिंगर्स के साथ, कितने म्यूजिशियंस के साथ आपने स्टेज शेयर किया है. यदि एक बार आपको अपने लिए गिटार बजाना हो तो आप कौन सा गाना बजाना पसंद करोगे? फिल्म जमीर का, आई थिंक अमिताभ बच्चन वाले पिक्चर. क्या बात है. और साहिर साहब का उसमें, साहिर साहब के अल्फाज हैं उसमें. Thank you.
क्या बात है सतीश जी, ऐसा लग रहा था कि सिंगर की कमी महसूस नहीं हो रही थी, आपका गिटार बज नहीं रहा था, आपका गिटार गा रहा था। थैंक यू सो मच। मनीष जी की मैं बात करूंगा, मनीष भाई थैंक यू सो मच। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरी जिंदगी का सबसे पहला शो जो स्वर आलाप के जरिए कावस काका और टोनी वास के लिए हुआ था, तब से मैं आपको देख रहा हूँ स्टेज पर और बहुत खुश होता हूँ और बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ। क्या बात है। तो मनीष कुलकर्णी के बारे में बताऊँगा कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ मनीष कुलकर्णी का बेस गिटार ना बजा हो, और अपने गुरु यानी कि टोनी वास के नाम को यदि सही मायनों में श्रद्धांजलि दी है पूरी मुंबई की स्टेज इंडस्ट्री में, तो वो एक ही नाम है और मनीष कुलकर्णी, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया के लोगों को पता है कि टोनी वाज अगर बेस गिटारिस्ट थे तो उनके नाम को रोशन किया है मनीष कुलकर्णी ने। मनीष थैंक यू सो मच स्वर आलाप के इस शो में आने के लिए। थैंक यू। हो तुमसे अच्छा कान है जान लो, तुमसे अच्छा कान है दिल जिगर लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो, तुमसे अच्छा कान है। दिल है जिनमें तुम ही हो, तुम्हें हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुम पे हमारी इतनी जान। सिर में दिल है जिनमें तुम ही हो, तुम्हें हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुम पे हमारी दुनिया जान। कर लो सनम, तुम हमें पहचान लो, तुमसे अच्छा कौन है। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा दिल कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पैरी सी एक रंगी शाम, देखो 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 एने उने इन पैरी, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। दिखलाता हूँ पैरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 एने उने इन पैरिस। दिल का दामन भर लो, मर जाओ के प्यार कर लो, कल का सपना किसने देखा, इन राहों से और गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओ के प्यार कर लो, कल का सपना किसने देखा, इन राहों से और गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पैरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 एने उने इन पैरिस।
जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, सदे उत्ते वो करती है के ओ मैनू प्यार करती है, सदे उत्ते वो मरती है। किसी ने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया को जला के रखा रातों को चौबारे में, किसी ने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया को जला के रखा रातों को चौबारे में, रेशमी दुपट्टा फेंका पिन के हिलारे में, मेरे में अकेले पीरी बाजार सार में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इस बात में कहना के ओ मैनू प्यार करती है, अच्छे उच्चे वो मरती है के ओ मैनू प्यार करती है, अच्छे उच्चे वो मरती है के ओ मैनू प्यार करती है, सटे होते वो मरती है। अब चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, अब चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, राजा के शिकारी को भंवर में उतार दे, आगे जी के क्या लेना है, मेरे दिल ने जो भी मांगा था वो पाया, हम पे प्यार आया, प्यार आया, हम पे
गुलशन में फूल खिलते हैं और जब शहरों में मिलते हैं मैं और महबूबा 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 गुलशन में फूल खिलते हैं और जब शहरों में मिलते हैं गुलशन में फूल खिलते हैं और जब शहरों में मिलते हैं मैं और बसाएंगे हम एक छोटा सा घर